हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो कि लगातार पेपर में डेटा चेंज होने के साथ साथ पूछे जा रहे हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। और ये है उसका पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। जीतेश ने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 12 घंटे वाहन चलाया, अभी भी उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितनी देर वाहन चलाना चाहिए ताकि पूरे की औसत गति 81 हो जाए। देखिए, 75 की औसत गति से उसने 12 घंटे वाहन चलाया है, अब कह रहा है 90 की औसत गति से कितनी देर वाहन चलाए नहीं पता, ताकि समग्र औसत गति कितनी हो जाए 81 हो जाए। एलिगेशन लगाएंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अंतर मिलेगा 6, यहाँ पर मिलेगा 9, अनुपात मिलेगा 3:2। अगर 3 का मान 12 है तो 2 का मान क्या होगा? 8 होगा, यानी कि उसे 8 घंटे बाइक और चलानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, अगला सवाल है, जब आयु 15, 16 और 17 वर्ष के 3 पुरुषों का स्थान 3 नए पुरुष लेते हैं तो 10 पुरुषों की औसत उम्र में 30 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 3 नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। समझिएगा, यानी कि 10, 15 और 16 ये तो पुरुष जो गए हैं, इनके स्थान पर जब 3 नए पुरुष आए हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो उम्र होगी इनसे ज्यादा होगी, तभी सभी की 10 की जो औसत उम्र है वो 3 वर्ष बढ़ी। तो एक चीज तो आपको याद रखना है, 10 लोगों की औसत उम्र अगर 3 से बढ़ेगी तो 30 साल तो ये बढ़ गए, ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले जो गया है वो भी तो इसमें ऐड होगा, तो 16, 15, 31 और 10, 16 और 15, 31 और 10, 41, ये बात को समझना होगा। 31, अच्छा क्या क्या था? 15, 16 और 17 था, तो यहां पर 15, 16 और 17 कर लेते हैं, 15, 16 और 17 कर लेते हैं। तो 16, 15, 31, 31 और 17, 48, ठीक। यानी ये तो गया है, ये भी कवर करना है और जो बढ़ा है ये भी कवर करना है। समझना, इसका मतलब आने वालों की जो औसत उम्र रहेगी या टोटल उम्र रहेगी वो कितनी रहेगी? 38 प्लस 48 प्लस 30, और ये क्या होगी? 3 लोगों में बटेगी। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 16 आएगा, ये 10 आएगा, 16 और 10 मिलकर हो जाएगा 26। यानी जो आने वाले तीनों लोग हैं, अगर उनकी औसत उम्र की बात की जाए तो उनकी औसत उम्र जो होगी वो 26 वर्ष होगी। टोटल पूछ लेता तो 48 प्लस 30 78 वर्ष होती। क्लियर? अगला सवाल, यदि समीकरण ये और ये दिए हैं, इसका कोई हल ना हो, नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है भाई? नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है कि a1 / a2 बराबर b1 / b2 नॉट इज इक्वल टू c1 / c2। तो यहां पर a1 क्या दिया है? a दिया है 14, b क्या दिया है? b है 21, यानी कि a2 21 है। अगर b1 की बात करें तो 8 है और b2 की बात करें तो माइनस का k है, तो माइनस का के, इसका मतलब 7 × 14, 7 × 21, 2 से कटेगा 4 बार, 4 × 3 = 12, के का मान आ जाएगा -12। यही आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए, अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ये है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अच्छा जेड एक्स आखिर लिख दिया गया है, ये 23 है, एक्स वाई जेड का मान 19 है। तो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्यों होगा नहीं, क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बहुत हो जाता है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक, इसका होल स्क्वायर माइनस में 3 ऑफ xy + yz + zx, ठीक, और प्लस में 3xyz, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। तो मैंने कहा भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है? 13 है, यहाँ 13 लिख दिया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो दिया है वो दिया है 13। 13 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, माइनस 3 ऑफ xyz, xy + yz + zx 3, ये आपको 23 दे रखा है, और प्लस में 3 xyz का मान कितना दिया हुआ है? 19 दिया है। तो ये तो सवाल ही हो गया, 100 × 13 1300 + 19 = 57, 1357 आपका आंसर हो गया। तो आपका जवाब क्या हो गया? सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक ये दिए हुए। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है कि लगातार ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला कुछ दिनों तक चली भी है। तो 1, 2 है, दूसरा है -4, -3, और तीसरा निर्देशांक है 4, 1। ऐसे प्रश्नों में किसी भी एक निर्देशांक को 0 बनाते हैं, तो मैं इसमें -1 और -2 को घटाकर 0 बना लेता हूं। तो जो आपने 1 में घटाया है वही आप सब में घटाएं, -1 -2, यहां पे भी -1 -2 घटा लेते हैं, तो ये तो 0 बन गया, काम खत्म। यहां पर क्या मिलेगा? -4 - 1 - 5 मिल जाएगा, -3 - 2 - 5 हो गया, ठीक। यहां पे -4 - 1 का मतलब +3 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये -2 था ना,
तो एक और इससे घटाएंगे, बात ध्यान से समझना, अगर यहां पर घटाने की बात आ रही तो एक और माइनस दो जोड़िए तो यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस का एक। बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर से गुणा, माइनस पांच गुणे माइनस एक प्लस का पांच, फिर उसके बाद माइनस, अब इसका गुणा करिए माइनस पांच गुणे प्लस का तीन, तो माइनस का पंद्रह आएगा जो कि इसको प्लस कर देगा, तो यहां पर मैं पंद्रह डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, और इसको दो से विभाजित कर दीजिए तो सीधे सीधे आपका क्षेत्रफल आता है पंद्रह पांच बीस, बीस का आधा दस, यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दस स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, कहता है पी जो है तीन बटे पांच और दो बटे सात का योग है, तो पी अगर इनका योग है तो मैं योग कर लेता हूं, तो सात तय इक्कीस पांच दूनी दस, यानी पी का मान आ जाएगा इकतीस बटे पैंतीस, क्या आ जाएगा इकतीस बटे पैंतीस, और क्यू आपके पास 15 बटे इकतीस दिया ही है, क्यू क्या दिया था 15 बटे इकतीस, तो मैं यही लिख देता हूं 15 बटे इकतीस, पी क्यू पूछ रहा है इकतीस से इकतीस खत्म, पांच से तीन बार, पांच से सात बार, आंसर क्या बना तीन बटे सात, पी क्यू पूछा था ना, पी क्यू क्या हो जाएगा तीन बटे सात। अगले सवाल को देखते हैं, ए किसी कार्य को 48 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे 60 दिन में, 48 और 60 दिन में समाप्त कर सकता है, 240 सेल्सियम ले लिया तो मुझे पता चल गया कि ए के एक दिन का काम पांच आएगा और बी के एक दिन का काम चार आएगा, ठीक यहां तक बात हो गई। वे साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, एक दिन में 9 काम, 12 दिन में उन्होंने किया 108 काम, 240 में 108 काम हो गया होगा, 132 काम शेष बचा होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर ए चला गया, अब इस काम को इसको ये कौन कर रहा है, बी कर रहा है, अच्छा बी भी इस काम का 25% कर रहा है, यानी कि इसका एक बटे चार काम कर रहा है, बी करेगा तो अपनी क्षमता चार से ही करेगा, समझना, चार से काटते हैं, चार तीन बारह, चार तीन बारह 33 बटे चार, चार अट्ठे 32 और एक बचेगा आठ सही दिन एक बटे चार घंटे, आठ दिन एक बटे चार घंटे, तो ये हो जाएगा आठ दिन और एक बटे चार दिन का मतलब क्या हो जाता है छह घंटे, क्या हो जाएगा छह घंटे, तो आठ दिन छह घंटे में बी इस काम के 25% को निपटा देगा, कहां लिखा है आठ दिन छह घंटे, आठ दिन छह घंटे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, एक घन के दो फलकों का परिमाप इतना है तो घन का आयतन क्या हुआ। देखिए एक घन की अगर बात की जाए तो फलक उसकी वर्गाकार होती है और वर्ग का जो परिमाप होता है एक वर्ग का वो 4 × साइड होता है, यहां पर दो दिया था तो ये किसके बराबर 72, चार दूनी आठ, आठ नवे में 72, यानी घन की एक भुजा आ गई आपके पास 9, आपसे पूछ रहा है घन का आयतन, 9 का क्यूब करिए तो आपके पास 729 घन का आयतन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा सी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सत्य है, अच्छा ये भिन्ने दी हुई है, इसमें बताना कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, 9/16 है और उसके बाद में 13/24 है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 240 में से 24 घटाएंगे 216 इसका गुणनफल आ जाएगा, और 16 × 13 160 प्लस 48 200, 160 प्लस 48 हो जाएगा आपके पास 208, यानी कि 216 बड़ा होगा 208 से, तो आप कहोगे कि 9/16 जो भिन्न होगी वो 13/24 से बड़ी होगी, तो 9/16 इज ग्रेटर देन 13/24, कहां लिखा है, बोले सी ऑप्शन लिखा है सर, तो सही जवाब भी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक बाइक को 68,250 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्राप्त हुआ वो बाइक को 47,250 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, अच्छा यानी कि लाभ जो है वो हानि के बराबर है, इस स्थिति में क्या करते हैं, जो हमारे दोनों एसपी होते हैं इनको जोड़कर दो से डिवाइड कर देते हैं तो वस्तु का सीपी निकल आता है, क्या निकल आता है वस्तु का सीपी, हमने क्या किया 68,250 और इसको 250 और 250 मिलकर हो गया 500, बात को समझना क्या हो गया 500, अब 68 में दो जोड़ देंगे 70 और 45, 70 और 45 115 ये हो जाएगा जोड़कर, अब इसको दो से डिवाइड कर दीजिए क्या मिलेगा 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 57,750 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले सवाल पर आते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से टी पर स्पर्श करते हैं, देखिए दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्य किस पर टी बिंदु पर स्पर्श करें, आर एस जो है वो P और Q पर वृत्तों की स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, मैंने कहा RS जो है ये स्पर्श रेखा है जो वृत्तों को किन किन पॉइंट पर स्पर्श करती है, P और Q पर, P और Q पर स्पर्श कर लेती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, TPQ एंगल जो है 42 डिग्री है, TPQ ये एंगल आपको दिया है 42 डिग्री, ठीक, अच्छा अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता है, ये 42 से 90, अब 42 में मैं क्या जोड़ दूं, 42 में मैं क्या जोड़ दूं कि 90 के बराबर हो जाए, तो वो ये वाला कोण होगा, 42 में अगर हम 48 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, 90 ये वाला दिया ही था,
आपसे यही पूछा है कि एंगल टी क्यू पी क्या होगा, एंगल पी क्यू टी या टी क्यू पी एक ही बात है, तो एंगल पी क्यू टी या टी क्यू पी क्या होगा, 48 डिग्री 48 डिग्री। क्लियर, अगले उस पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक टैबलेट की कीमत में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर बिक्री में 10 कमी के कारण 2.5% की कमी हो गई। तो 10% वृद्धि पहले हुई, प्लस हुआ, फिर कमी हुई 2.5%, तो पहले पहले इन दोनों का जो रिजल्ट है वो प्लस का 7.5। अब इसके बाद ए बी रूल लग रहा है और कुछ नहीं, यानी कि यहां पर आपको दिखा 10 × 2.5/100। मैंने कहा जीरो से जीरो काट ले, एक जीरो से यहां का अंक दशमलव दो अंक पर हो गया, तो 7.5 में अगर मैं ये माइनस होगा, माइनस कर लूं कितना 0.25, तो 7.5 में 7 रुपए 50 पैसे में 25 पैसे घटा दोगे तो 7 रुपए 25 पैसे ही बचेंगे, तो आंसर क्या बनेगा, इंक्रीज होगा 7.25 का, कितने का, 7.25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब यहां पर एक बात है बहुत जरूरी, मैथ्स का एक पेड कोर्स है जिसका कॉम्बो प्राइस जो है धमाके के रूप में आपको सिर्फ कुछ दिनों के लिए अभी और मिलेगा 699, जिसकी कीमत है 999। यानी अगर आप सिर्फ अर्थमेटिक का कोर्स लेते हैं तो 650 आपको पड़ता है, सिर्फ अगर आप एडवांस लेते हैं तो 349 का पड़ता है, लेकिन इसके बाद अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो मात्र आपको 699 का। अच्छा यहां पर यह काम खत्म नहीं होता, अगर यहां पर आप ये कूपन कोड अनुराग 786 अप्लाई कर देते हैं तो इस 699 रुपए में भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, इसमें भी आपको 10% कीमत कम हो जाएगी। इसके साथ साथ एक चीज को और समझिए, अगर मैं साइंस के कोड की बात करूं, साइंस के जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों अलग अलग 249 249 और 249 के हैं अलग अलग, अगर मैं तीनों के कॉम्बो की बात करता हूं तो 499 का है तीनों के कॉम्बो की बात करता हूं, लेकिन इसमें भी अगर आप ये अनुराग 786 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहां पे भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, या आप यूं कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार की सीरीज जिसमें आपको छोटे छोटे प्रश्नों के साथ मैं आपको समझाता रहूंगा कि पेपर किस तरीके से आ रहा है और आपको उसको कैसे डील करना है। मैं डेली आपको सुबह 10 बजे इस प्रकार के क्लासेस देता रहूंगा, वीडियोस देता रहूंगा, ताकि आपकी जो स्टडी है वो एक प्रॉपर रूप से अच्छी हो और सिलेक्शन आपके करीब हो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।